हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रिपल ई आई क्यू। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा जो कि स्टार डेल्टा कन्वर्जन से है। और इससे पहले भी मैंने दो वीडियो अपलोड किया है, स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार में हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, वो एक बेसिक वीडियो था, आप उसे देख लीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगा जो कि एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। देखिए, जब भी हम लोग स्टार डेल्टा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को सर्किट सॉल्व करना होता है, यानी कोई भी सर्किट को इजी वे में सॉल्व करना हो तो वहाँ पे हम लोग ये थ्योरम यूज़ करते हैं, या फिर जो भी हम लोग इसको बोल सकते हैं मेथड। देखिए, यहाँ पे हमारा दो सर्किट होता है, एक होता है पाई यानी पाई मॉडल, और पाई मॉडल को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, ये हम लोग एक रजिस्टर हो गया और इधर में हमारा दो रजिस्टर होगा, यानी इस तरीके का कोई भी सर्किट में दिखेगा आपको तो इसको हम लोग बोलते हैं पाई मॉडल। और इसको हम लोग इस तरीके से अरेंज करके बना सकते हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर है, यानी पाई मॉडल का इक्वेलेंट होता है डेल्टा, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली उल्टा डेल्टा होगा, इन्वर्टेड डेल्टा, यानी ये हमारा ऊपर में हो जाएगा और ये दोनों आपस में इस तरीके से चिपक जाएगा, ठीक है। ये इसके बराबर है, इसको जब आप ध्यान से देखिएगा तो ये वाला आगे यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है, तो इसको अगर आप बाहर ला के ऐसे कीजिएगा तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। यानी पाई मॉडल डेल्टा के बराबर होता है। दूसरा होता है हम लोग का टी मॉडल। तो टी मॉडल आपको सर्किट में इस तरीके से दिखेगा, ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, और इसके बीच में हमारा एक और रेजिस्टेंस लगा रहेगा। ऐसे सर्किट को बोलेंगे हम लोग टी मॉडल, और ये हमारा स्टार के बराबर होता है, स्टार यानी इस तरीके से, ठीक है। इन दोनों, ये वाले आर्म्स को ऊपर घींच दीजिएगा, इसको भी ऊपर घींच दीजिएगा, तो हमारा स्टार बन जाएगा। अब देखिए, ये सब अभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। देखिए, अब है जैसे मान लेते हैं आपको एक सर्किट दिया हुआ स्टार का, और इसमें जो भी रेजिस्टेंस का वैल्यू है ये सेम है, ये भी आर है, ये भी आर ओम है, और ये भी आर ओम है। यानी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देकर यहाँ पे समझाएं तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं 8 ओम, ये भी हमारा 8 ओम है और ये भी हमारा 8 ओम है। इसको कन्वर्ट करना है डेल्टा में, ठीक है, यानी स्टार को कन्वर्ट करना है डेल्टा में। देखिए, यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से होगा। तो जब भी रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम होता है तो वहाँ पे हम लोग सिंपली ये फंडा यूज़ करेंगे, स्टार को डेल्टा में। इधर हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू आर है अभी, तो इधर हमारा हो जाएगा सीधे सीधे 3 से गुना कर देते हैं हम लोग, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे 8 वैल्यू है, 8 ओम है, तो इधर हमारा कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 24 ओम, ठीक है। ये वाला आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, ठीक। उसी तरीके से अगर आपका डेल्टा दिया हुआ है इधर, ये आर होगा, ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, इसको कन्वर्ट करने के लिए बोल देगा आपको स्टार में। तो इसके लिए देखिए, इधर हमारा क्या था, डेल्टा में 3R था, ये वाला बस एक कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा, यानी डेल्टा हमेशा बड़ा होगा स्टार से, बस ये याद रख लीजिए। तो ये वाला डेल्टा की जगह हम लोग 3R लिखेंगे और इसके जगह क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। तो इधर हमारा क्या होगा, R बराबर ये हो जाएगा हमारा R/3, यानी इधर सीधे सीधे डिवाइड हो जाता है 3 से। तो इतना आपको ध्यान नहीं रखना, बस ये कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, हमारा डेल्टा जो होता है बड़ा होता है, डेल्टा बड़ा होता है यानी उसके साथ हम लोग 3 से गुना करेंगे, और स्टार जो होता है हमारा छोटा होता है, इसीलिए ये क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड करते हैं 3 से। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये आर के राजपूत का क्वेश्चन है, देखिए ये हमारा डेल्टा में दिया हुआ है इस तरीके से, और इसके अंदर हमारा स्टार है, ये 8 ओम है, ये भी 8 ओम है और ये भी हमारा 8 ओम है, ठीक है। यहाँ पे नाम दे देता हूँ ए, बी और सी। आपसे पूछ देगा कि इस दो पॉइंट के बीच में यानी बी सी के बीच में हमारा आर इक्वेलेंट क्या है, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। हम लोग यहाँ पे या तो स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे या तो फिर डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बेटर होगा कि इस स्टार को
हम लोग डेल्टा में कन्वर्ट करें, यानी स्टार को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं डेल्टा में। तो देखिए इसको बाहर निकालते हैं, ए बी वैल्यू यहाँ पे दे देता हूँ, ये हमारा 8 है, ये भी 8 है, और ये भी हमारा 8 है, अंदर का भी 8 है और बाहर का भी 8 है। तो अभी हमारा क्या है सर्किट इस तरीके से है यहाँ पे, और इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं डेल्टा में। ये 8 ओम, ये 8 ओम, और ये 8 ओम। तो अभी मैंने बताया कि जब भी हम लोग स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तो सीधे हम लोग 3 से गुणा करते हैं, इधर हमारा आर था तो इधर हमारा 3 आर हो जाता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 8 × 3 हो जाएगा, ये भी हमारा 8 × 3, और ये भी हमारा 8 × 3, यानी 24 24 हो जाएगा। तो सर्किट को आप आगे बढ़ाइएगा तो हमारा इस तरीके का बनेगा सर्किट। देखिए यहाँ पे बनाता हूँ, ये पहले से तो था ही डेल्टा में 8 8, इसको ऐसे ही जोड़ देते हैं, ये 8 और ये 8। अब ये फिर से इस डेल्टा को अंदर लाना है, ठीक है, इसके अंदर लाएंगे तो हमारा ये जो इक्वेलेंट कीजिएगा तो हमारा यहाँ पे पैरेलल में 8 ओम यानी 24 ओम का रेजिस्टेंस और लग जाएगा सबके अक्रॉस, ठीक है, यहाँ पे भी 24 और यहाँ पे भी 24 ओम, ठीक है। अब देखिए हमारा यही पॉइंट है, सी है, और ये बी है, और ये ए है, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे, ये पैरेलल है तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो 8 × 24/32 हो जाएगा, 8 + 24 830 और 2 32, ठीक है। इसको काटिए, ये चला जाएगा 4 बार में, और ये चला जाएगा 6 बार में, यानी इसके क्रॉस 6 ओम, ये भी सॉल्व कीजिएगा तो 6 ओम, और ये भी सॉल्व कीजिए तो 6 ओम। अब देखिए तो यहाँ से बैटरी जोड़िएगा तो क्या होगा, ये यहाँ से करंट फ्लो होगा, मान लेते हैं यहाँ से करंट फ्लो आई एम्पियर, लेकिन इस पॉइंट पे टूट जाएगा, ये I1 में टूटेगा और ये हमारा I2 में टूटेगा, तो I2 तो इन दोनों के लिए सेम होगा, यानी ये दोनों हमारे क्या होगा सीरीज हो जाएगा, तो ये हो गया 12, और ये नीचे वाला पैरेलल हो जाएगा तो 12 6, और ये नीचे में हमारा क्या होगा 12 6 18, तो शुक्रिया 3, और ये कट जाएगा फिर 4, यानी इसका वैल्यू आ गया 4 ओम। तो यहाँ से हम लोग सीधे सीधे इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इसी तरीके से आपका दिया तो में भी हम लोग जस्ट उल्टा कर देंगे, तो इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ही इजी है ये। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, इसको और बढ़ाएंगे, यहाँ पे हम लोग का एक बैटरी लगा हुआ है, ये है 12 वोल्ट, और यहाँ पे है हम लोग का एक और रेजिस्टेंस, और यहाँ पे है हम लोग का एक और रेजिस्टेंस। देखिए ये 5 ओम है, ये हमारा 10 है, ये भी हमारा 10 है, ये 40 है, और ये ऊपर वाला 20 है, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से बनाते हैं तो यहाँ से हमारा करंट फ्लो होगा आई, ठीक है, ये आई आकर के यहाँ पे टूट जाएगा, ये मान लेते हैं I1 में टूटेगा, और ये मान लेते हैं हमारा I2 में टूटेगा, ठीक है, उसके फिर आगे बढ़ेगा तो फिर से टूटेगा, यानी इसको सॉल्व करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है नॉर्मल मेथड से। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ये जो हमारा टर्मिनल है, यानी ये वाला, यहाँ पे नाम दे देता हूँ, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ये हमारा क्या एक तरीके स्टार में है, इसको अगर बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या है ये टी मॉडल बनेगा, ठीक है, यही है टी मॉडल, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे हमारा 10 है, तो टी मॉडल अभी मैंने बताया था कि हमारा स्टार के बराबर होता है, ठीक है, यानी ये हमारा स्टार है, इतना जो दिया हुआ है यहाँ पे सर्किट, ये हमारा स्टार है, ठीक है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं डेल्टा में, तो ये हम लोग के लिए बेटर होगा, डेल्टा में कन्वर्ट कीजिएगा, देखिए फिर अपना सर्किट जो है बहुत ही इतना सिंपल हो जाएगा, यानी इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं डेल्टा में। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 5, ये 10, और ये भी हमारा 10, नाम दे देते हैं 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे भी दे देते हैं 1 2 3, और यहाँ पे नाम दे देते हैं ए बी सी। तो अभी कुछ देर पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था
ए बराबर अब हम लोग को निकालना है, तो एक तरीके से दोनों रेजिस्टेंस का गुना, यानी 5 × 10 प्लस 10 × 10 प्लस 5 × 5 डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पे इस किसके बीच में हम लोग काम कर रहे हैं, ये 1 और 3 के बीच में ए आ रहा है, यानी 2 नहीं है, तो 2 के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा 10, उसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग नॉर्मल वाला जो भी मैंने बताया था कुछ देर पहले, डिवाइड करते हैं 3 से या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, वो हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉमन रेजिस्टेंस नहीं है। देखिए ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, फिर ये 10 ओम है, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंट हो गया ना, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल जो हम लोग का फॉर्मूला होता है वो यूज़ करेंगे। तो ये कितना होगा, ये 50 होगा प्लस ये 100 होगा प्लस ये हो जाएगा हमारा 50 डिवाइडेड बाय 10। सो जोड़ दीजिए, ये हो गया 100, 200 बाय 10, ये आ जाएगा आपका 20 ओम, ठीक है, ये आ गया आपका 20 ओम। उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, देखिए यहाँ पे बता ही देता हूँ, बी बराबर, तो बी बराबर क्या लिखेंगे, ऊपर वाला तो कॉमन ही रहेगा, यानी 200 आया तो 200 लिख देते हैं डायरेक्ट, 1 और 2 के बीच में काम कर रहे हैं, यानी 3 के बीच में हम लोग काम नहीं कर रहे, 3 के क्रॉस कौन सा रेजिस्टेंस है हमारा, ये 10, तो यहाँ पे भागा देंगे 10 से, कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 20 ओम। उसी तरीके से सी बराबर निकाल लेंगे, तो सी बराबर देखिए काम किसके बीच में कर रहे हैं, 1 यानी 3 और 2 के बीच में, तो ऊपर वाला तो कॉमन ही रहेगा तो 200 होगा, और नीचे में हमारा 1 के क्रॉस, 1 के क्रॉस कौन सा है, 5 ओम है, तो 5 करेंगे, 5 × 20 यानी ये हो जाएगा 40 ओम, ठीक है, यानी सी बराबर हमारा आ गया 40 ओम, और इसके क्रॉस हो गया हमारा कितना, ये भी 20 ओम, तो ये हमारा डेल्टा में कट गया। अब देखिए सर्किट को हम लोग किस तरीके से रीअरेंज करेंगे, देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है, और ये जो डेल्टा होता है, ये डेल्टा होता है हम लोग का पाई मॉडल के बराबर का, यानी इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं पाई मॉडल के रूप में, ठीक है, इस तरीके से। अब बस हम लोग को यहाँ पे ये देखना होता है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू किस तरीके से रखें, ठीक है। देखिए यहाँ पे 40 ओम है, इसको तो हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे सोचें इसके पैरेलल में हमारा 40 ओम हो, तो इसको हम लोग 40 ओम दे देते हैं वैल्यू, क्योंकि इसमें हमारा एक 40 ओम आया हुआ है, ठीक है, ताकि हमारा कैलकुलेशन में इजी हो, वैसे भी सॉल्व कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैलकुलेशन आपका कैसे मिनिमाइज हो सके। ये बाकी का ये 20 दे देते हैं, और ये भी हमारा 20 दे देते हैं। अब इसी सर्किट को हम लोग इस सर्किट के अंदर डालेंगे, तो ये ऊपर वाला सर्किट वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि हम लोग ने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है, और यहाँ पे हमारा एक पाई मॉडल डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी हमारा रहेगा, और ये पहले से 40 ओम का रेजिस्टर था, ये तो वैसे ही रहेगा, इसको हम लोगों ने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये बैटरी है। और इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये तो मैं बताया नहीं, इसमें आप लोगों को करंट निकालना है, ठीक है, करंट का वैल्यू क्या होगा, यानी यहाँ पे जो 12 वोल्ट बैटरी लगा हुआ है, इससे करंट का वैल्यू कितना निकलेगा। देखिए ऊपर वाला रेजिस्टेंस वैसे का वैसे ही रहेगा, 20 ओम था, ये वाला रेजिस्टेंस का वैल्यू 20 ओम है इसके क्रॉस, ठीक है, इस हिसाब से इसी सर्किट को अंदर डाल रहे हैं ना, तो 20 ओम में तो 20 ओम डालेंगे, यहाँ पे 20 है तो 20, ये भी 40 है तो 40। अब देखिए तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, 40 40, तो इसका इक्वेलेंट कितना होगा, 20 हो जाएगा, ये आपस में पैरेलल है तो इन दोनों का इक्वेलेंट कितना होगा, 10 ओम हो जाएगा, तो अभी हमारा सर्किट मिनिमाइज होके कुछ इस तरीके का बनेगा। देखिए यहाँ पे 20 ओम वैसे ही रहेगा, यहाँ पे 10 ओम, और यहाँ पे हमारा 20 ओम, यानी ये 20, ये 10 और ये 20। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो और हमारा मिनिमाइज हो जाएगा, दो सीरीज में है, 30 हो जाएगा, और ये पैरेलल में है, यानी 30 × 20 / 30 प्लस 20 यानी 50, 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 × 6 = 30, यानी 14 × 12, 12 ओम आ गया, यहाँ पे 12 वोल्ट लगा हुआ है, आर इक्वलेंट आपका आ गया 12 ओम, तो यहाँ से आई का वैल्यू निकाल लेंगे, आई इक्वल टू वी बटा आर, 12 / 12 यानी 1 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा, यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे है, और यहाँ पे है, और फिर एक यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे वैल्यू हो गया 40 60 100, ये भी 100 ही है, और ये है हमारा 90 ओम। यहाँ पे आपको आर इक्वेलेंट निकालना है इस पॉइंट के क्रॉस, ठीक है, मान लेते हैं पॉइंट हम लोग का ए और ये बी,
देखिए अब ये सॉल्व होना पॉसिबल नहीं है अगर आप नॉर्मल टेक्निक यूज़ करते हैं। यहाँ पे बिना जो भी हम लोग का मेथड है स्टार डेल्टा या फिर डेल्टा टू स्टार या फिर व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो यहाँ पे तो हमारा बैलेंस है नहीं ब्रिज, तो ये कभी बनेगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग यही कन्वर्जन यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा डेल्टा है, ठीक है। यानी इसको अगर हम लोग बाहर निकालते हैं तो ये हमारा डेल्टा है इस तरीके का, 40 ओम, 60 ओम और ये 100 ओम। तो इसको अगर हम लोग स्टार में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करें, यहाँ पे नेमिंग दे देते हैं 1, 2, 3, यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे मान लेते हैं पी क्यू आर। नेमिंग आप कुछ भी डाल सकते हैं, पी का वैल्यू निकालना है तो जब हम लोग पी का वैल्यू निकालते हैं तो देखिए कुछ देर पहले ही मैंने बताया था वन पे काम कर रहे हैं, वन पे काम कर रहे हैं तो इस वन पे आके देखेंगे। तो यहाँ पे वन के क्रॉस दो रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और ये वाला रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे गुना करते हैं, यानी 40 गुना 60 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी का, यानी ये पूरा का सम 60 का 60 प्लस 100 प्लस 40, ठीक है। ये पूरा रेजिस्टेंस का जोड़ेंगे तो यहाँ पे कर लीजिए 6 24 हो जाएगा, ऐसे रहने देते हैं, कट जाएगा ये 60 40 में 60। यहाँ पे जोड़ते हैं ये 100 114 200 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल और ये 3, यानी 4 3 जा 12, ठीक है। यानी पी का वैल्यू आ गया 12 ओम। उसी तरीके से क्यू का निकालते हैं, तो क्यू कहाँ पे है तो ये 2 पे है, तो 2 कहाँ पे है, ये यहाँ पे 2 है हम लोग का, तो इसके क्रॉस 2 रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ये 60 और ये 100, तो 100 गुने 60 और नीचे में दोनों को जोड़ेंगे, तीनों कॉमन होगा तो ये 200 ही रहेगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3, यानी ये हो जाएगा हमारा 30 ओम। उसी तरीके से हम लोग आर का निकाल लेते हैं। देखिए आर होगा यहाँ पे आर बराबर, देखिए यहाँ पे थर्ड पे काम कर रहे हैं 3 पे, तो 3 पे आते हैं यहाँ पे देखिए 2 रेजिस्टेंस है, 100 और 40, यानी 40 गुना 100 भागा 200, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 कैंसिल, ये हो जाएगा 20 ओम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का जो स्टार आया ये आ गया यहाँ पे 12, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 20 ओम, ठीक है, चलिए सही है यहाँ तक। अब हम लोग को इस सर्किट के अंदर इसको डालना है, ठीक है। देखिए अब कैसे करेंगे, तो फिर से मैं बना देता हूँ, यहाँ पे स्पेस तो है नहीं। ये हम लोग का अभी सर्किट था इस तरीके से, अभी हम लोगों ने क्या किया ऊपर वाला रिमूव कर लिया है, ऊपर वाला रिमूव कर लिया यानी डेल्टा निकाल लिया ना, यहाँ से हम लोगों ने डेल्टा को अभी रिमूव कर दिया, तो डेल्टा रिमूव कर दिया है तो नीचे वाला भी हमारा यही सर्किट बचा होगा, सिर्फ ऐसे ही खुला होगा। तो अभी हम लोग को इसको इसमें लगाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लगा सकते हैं, यहाँ पे नीचे का वैल्यू भी दे देते हैं, नीचे का वैल्यू है 100 और यहाँ पे जो बचा हुआ है ये भी 90 ओम है, ठीक है। देखिए अब इसको हम लोग इस तरीके से लगाते हैं, यानी इसको मैं पलट दूँ किसी तरीके से लगा सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन इजी करने के लिए देखिए मैं इस तरीके से लगाता हूँ। और ये ऊपर, ठीक है, ये स्टार हो गया, यानी आपको पता चल रहा होगा यही सर्किट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 20 ओम, यहाँ पे 30 ओम और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 12 ओम। यानी इस सर्किट को मैंने इस तरीके से लगाया है, ये वाला पोर्शन नीचे रखा है ये दोनों, ये वाला और ये वाला ऊपर है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा टर्मिनल। अब देखिए ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो हमारा और सर्किट मिनिमाइज कीजिएगा तो हमारा ये कुछ इस तरीके से होगा, ये 12 ओम वैसे का वैसे ही रहेगा, यहाँ पे दोनों को जोड़ करके ये हो जाएगा 120 ओम, ये हो जाएगा हमारा 120 और ये फिर आपस में पैरेलल में है, ये 12 ओम है, ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों कितना होगा 60 ओम हो जाएगा, ठीक है। यानी फिर इस तरीके से हो जाएगा ये 12 ओम और ये 60 ओम, अब जोड़िएगा तो यहाँ पे आर इक्वेलेंट हो जाएगा कितना 72 ओम, ठीक है। और भाई अगर यहाँ पे बैटरी लगा रहता तो यहाँ पे मान लेते हैं
72 वोल्ट का ही बैटरी लगा हुआ है, तो करंट निकालना हो तो आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी बटा आर, यानी 72/72, तो 1 एम्पियर हो जाता। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। मे बी आपका पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, और ये सब बेसिक है, ये सब जानना जरूरी है आप लोग के लिए, नहीं तो फिर आगे में प्रॉब्लम होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।